हेलो फ्रेंड्स, शिक्षाविद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट वाला चैप्टर, तो लाइट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हमें दो प्रकार की घटनाएं पढ़नी थी, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, पहले लिखेंगे परावर्तन और दूसरी पढ़ेंगे अपवर्तन। जो परावर्तन वाली घटना है यानी कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे दर्पण। और अपवर्तन के अंदर हम पढ़ेंगे लेंस, यानी कि जो लेंस काम करते हैं वो अपवर्तन की घटना पर करते हैं और जो दर्पण काम करते हैं वो परावर्तन की घटना पर करते हैं। और इन दोनों ये दोनों प्रकार की घटनाएं हमने देखा था, अगर हम प्रकाश को एक तरंग रूप में मानते हैं तब ये घटनाएं साबित होती हैं, कण रूप से नहीं होती हैं। तो ये इतना हम देख चुके थे पिछली बार। पिछली बार हमने एक चीज़ और देखी थी कि जब परावर्तन करवाएंगे हम, अभी हमने दर्पण स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ ये देखा था कि एक तो दर्पण होते क्या हैं। दर्पण दो प्रकार के हमने देखे थे कि कोई एक गोलीय है आपके पास, कोई गोलीय दर्पण कह सकते हैं, इस तरीके से गोलीय संरचना है। और उस संरचना का अगर आप एक भाग ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं जो कि एक तरफ से पॉलिश हो रखा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दर्पण। जैसे हमने देखा था कि अगर मैं ये गोला है और इस गोले का इतना भाग ले लूं, बाकी का भाग हटा दूं, तो यहां से ये बन जाता है मेरा दर्पण। लेकिन शर्त यह है कि इसके पीछे का भाग पॉलिश्ड होना चाहिए, या फिर इस तरह से अगर लेते हो तो इसका पॉलिश्ड होना चाहिए। इसे हमने कहा था अवतल दर्पण, ये पुराना रिवीजन है ताकि आप आगे कनेक्ट कर पाएं। और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लें। तो ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। और इसके कुछ नियम हमने देखे थे, वो नियम कैसे थे कि अगर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वो फोकस से जाती है, तो वो किससे पास होती है, फोकस से। अगर वो कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वो समांतर हो जाती है, यदि वो पोल से यानी ध्रुव से आती है तो वो ध्रुव से आती है नहीं मतलब ध्रुव पर गिरती है। जिस प्रकार से जैसे ये लेंस है तो अगर वो ध्रुव पर गिरती है तो बराबर कोण के साथ चली जाती है। या एक काम करते हैं ना, मैं आपको चित्र बना के समझा देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से समांतर आती है तो फोकस से जाती है, अगर वो फोकस से होते हुए आती है तो वो समांतर हो जाती है, यदि वो पोल पर गिरती है यहाँ पर ध्रुव पर गिरती है तो बराबर कोण के साथ वापस निकल जाती है, और अगर वो वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये चार नियम हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इनको बहुत डिटेल में देखना है आप फिर से पुराना वीडियो एक बार देख लीजिए। और पुराना वीडियो देखेंगे तो ये वाला जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 5 मिनट का भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि एक एक दर्पण, तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवतल दर्पण, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उत्तल दर्पण थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, अवतल दर्पण जो हम पढ़ रहे हैं वो अवतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है वो देखेंगे। तो अवतल दर्पण की शक्ल अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे थे, ऐसे करके यहाँ पॉलिश किया हुआ था, और उत्तल दर्पण की इस तरह से उभरा हुआ भाग था, ठीक है। अब अवतल दर्पण नाम बड़ा, ठीक है, उत्तल दर्पण तुलनात्मक रूप से नाम छोटा, ठीक है। तो अवतल दर्पण की जो हम टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे बड़ी, वो कैसी बनाएंगे, बड़ी। और अब उत्तल दर्पण की जो टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे छोटी, लेकिन वो टेबल मैं अभी यहाँ नहीं बनाऊंगी, वो टेबल हम बनाएंगे बाद में, तो उसको मिटा देते हैं। बस याद रखना कि अवतल दर्पण की जो टेबल बनेगी वो बड़ी बनेगी और उत्तल दर्पण की टेबल जो बनेगी वो छोटी बनेगी। आप इस टेबल का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी बुक खोल के रखें या फिर मेरे साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि मैं ये टेबल तो मिटा दूंगी, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बनाना है हमको इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल में हमें लिखना है कि बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वस्तु है उसको हम कहाँ रखेंगे, तो ये रखेंगे बिंब की स्थिति वाला पहला कॉलम। दूसरा लिखेंगे कि बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बना, यानी कि सिर्फ प्रतिबिंब भी लिख लें तो चलेगा, कि प्रतिबिंब कहाँ बना, ठीक है। फिर प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा था, स्वरूप का मतलब होता है कि वो दिखाई कैसा देगा, कोई बात नहीं हम आगे देखेंगे। और यहां पे एक और बनाना पड़ेगा हमको, स्थिति, स्थिति तो लिख ली थी ना, आकार लिखना है, आकार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे बिंब की स्थिति, मान लो जैसे मेरा ये है दर्पण, और यहाँ पे हमने कितनी सारी पोजीशन डिफाइन की हुई हैं। एक हमने पोल डिफाइन किया हुआ है, एक हमने फोकस को परिभाषित किया हुआ है, एक हमने वक्रता केंद्र को किया हुआ है, और वक्रता केंद्र के इधर पीछे अनंत आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे वस्तु रखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सी वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और ये पोल, पोल को पी से लिखेंगे, ठीक है। पी से भी लिख सकते हैं और ओ से भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, अब क्या होता है ध्रुव, है ना। अब आपने क्या किया, वस्तु को अनंत से लाना शुरू किया इस तरफ में, तो यहाँ अनंत है दूर, तो सबसे पहले हम पोजीशन रखेंगे अनंत पे, रख दिया, चलने दो। फिर अनंत से थोड़ा पास आए, पास आए, पास आए, यहाँ पे अनंत के, जैसे मैं यहाँ अनंत अगर बना दूँ तो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, तो दूसरा हम लेंगे अनंत से सी के बीच में। नेक्स्ट, अब यहाँ सी तक आ गए, सॉरी सी के पहले तक आ गए, अब हम सी तक मूव करेंगे, तो अगली पोजीशन होगी सी तक। सी तक आ गए, सी से आगे चलते हैं, तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, जब सी और एफ के बीच में आ गए तो थोड़ा और आगे चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, एफ पर आ गए, और अब आएंगे एफ और ओ के बीच में, एफ और ओ के बीच में, ठीक है, एफ और ध्रुव के बीच में। अब आप कहोगे ध्रुव पर, तो ध्रुव पर कोई वस्तु रख देंगे तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो अपने को कहाँ लाना है, सबसे पहले अनंत, अनंत और सी के बीच में, सी पे, और सी और एफ के बीच में, एफ पर, और एफ और ओ के बीच में। ये सारी सिचुएशन लिख ली आपने। अब आप नीचे वाले को छोड़ दो, सिर्फ नीचे वाले को छोड़ दो। अब अपने को क्या करना है, यहाँ तक जो लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसे दो मिनट के लिए गोले में डाल देती हूँ कि इसे हमको अभी छोड़ना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज उल्टा कर दो। ये जो एफ लिखा है ऊपर, ये लिखा है तो ये यहाँ डाल दें, इसको यहाँ के यहाँ डाल दें, इसको यहाँ डाल दें, और इसको यहाँ डाल दें। हो गया आपका एक काम पूरा खत्म। तीसरा काम, स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप में आप याद रखेंगे कि वास्तविक ब उल्टा, सब में वास्तविक उल्टा जाएगा, वास्तविक उल्टा जाएगा। ये भी मैं याद करवा दूंगी, डोंट वरी, अभी आप लिख लें बस वास्तविक उल्टा, क्योंकि हमने ये छोड़ दिया है तो इसका कोई भी कॉलम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हमने बाकी सब जगह लिख लिया वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे भी सी था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा कि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी डाल देंगे कि दोनों कैसे हैं, बराबर बराबर है ना, तो हम यहाँ डाल देते हैं बराबर, ठीक है, बराबर डाल दिया। दूसरा यहाँ पे डालेंगे छोटा, कोई बच्चा पहले छोटा ही होगा फिर बड़ा होगा, तो धीरे 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 इसको यहाँ तक बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा या बहुत बड़ा, ठीक है। छोटे से इधर लिखेंगे तो बराबर हो गया, छोटा हो गया। वैसे छोटा भी क्या होता है, ये अत्यंत छोटा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए कम छोटा यहाँ डाल देते हैं, यहाँ अत्यंत छोटा डाल देते हैं, बराबर डाल देते हैं, यहाँ बड़ा डाल देते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा डाल देते हैं, ठीक है, बड़ा होते जा रहा है। तो हमने क्या किया, पहले सारी पोजिशंस लिखी, उन पोजिशंस को उल्टा करके लिख दिया। इस जगह वास्तविक और उल्टा लिखा है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ पे लिखेंगे साइज, यानी कि बहुत छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, और उससे भी बड़ा। लेकिन यहाँ पे सी और सी बराबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बराबर डाल दिया। तो ये तो बन गई हमारी टेबल। ये लास्ट वाला केस हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, जिसको हमने अभी यहाँ पर ना लिखा है और ना समझा है। तो अब ये जो सिचुएशन हमने इतनी लिखी है, उनको चित्र कैसे बनाना है, उनका रे डायग्राम कैसे बनाना है, वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ, आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो लिख लें, कोई मुश्किल काम नहीं। अब तो वैसे आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए, ये कौन से दर्पण के लिए लिखा था हमने, अवतल दर्पण के लिए। क्यों, अवतल दर्पण की टेबल बड़ी होती है, क्यों, उसका नाम बड़ा होता है अवतल, ठीक है। तो अब हम इसका चित्र देखते हैं। जब आप चित्र बनाएंगे एग्जाम में, तो कभी कभी क्या होता है, चित्र एग्जैक्टली बैठता नहीं है। आप रे, आपको पता है कि चित्र कहाँ बनने वाला है, आंसर कहाँ आने वाला है, फिर भी ना डायग्राम एग्जैक्टली बन ही नहीं पाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक तो कि थोड़ी सी ना ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, और आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप ये टेबल बना के फटाफट से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे कि भाई अगर आपका एफ पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से पूछे जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल के लिए कह रहे थे, तो आप इतनी चिंता ना करें,
मैं ये करवा रही हूँ, जब हम न्यूमेरिकल के लायक हो जाएंगे, हमें समझ में आने लग जाएगा, तो डेफिनेटली इसके फॉर्मूले पर जाएंगे, तभी हम इसके न्यूमेरिकल करवा पाएंगे। उसके बाद लेंस करेंगे, उसके बाद आँख करेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाने को आता है तो आप वो डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए आप क्या करना, आपका वो जो होता है ना ऐसे बनाने वाला, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं प्रकार, तो उसको ना ऐसे करके सेट स्क्वायर ऐसे करके खोल के बनाइएगा। थोड़ा ज़्यादा खोलना, तो जैसे लगभग 3 सेंटीमीटर तक तो कम से कम खोल ही लेना, 3 सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा 4 या 5 तक खोल लीजिएगा। खोल के आप क्या करना, उसे ऐसे प्रकार से या सेट स्क्वायर से इस तरीके से खोलना। खोला आपने, यहाँ पे लाइन डाल देनी है पहले, तो इस तरीके से आपने ये बना दिया। अब जहाँ पे आपने ये रखा था, इसका जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट रखा था वहाँ पे आप लिख दीजिएगा सी, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं ये मैंने 6 सेंटीमीटर खोल के बनाया था, कितना खोल के बनाया था, 6 सेंटीमीटर खोल के इस तरीके से बनाया था, तो आप 3 सेंटीमीटर पे एफ बना देना, लगभग अंदाज बता रही हूँ। अगर आप ये 4 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो आप ये 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बना देना। और आप टेलीग्राम पे मुझे इसके डायग्राम बना के जरा पोस्ट तो करना कि आपसे प्रॉपरली बन भी पा रहे हैं या नहीं। तो आप क्या करना, यहाँ पे सी लिया आपने, इसको खोला और उसकी जस्ट हाफ डिस्टेंस, जैसे अगर ये 6 था तो उसकी 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एफ बना देना। उससे क्या होगा, आपका आधा काम तो यहाँ आसान हो जाएगा। पीछे ये करना ना भूलें, क्योंकि ये दर्पण है, लेंस नहीं है, तो पीछे पॉलिश होना जरूरी है, ठीक है। एक अक्ष बना दिया, ये सब मैंने लाल कलर से कर दिया है। अब हम वापस आते हैं। अब पहली वस्तु हमको कहाँ रखनी थी, अनंत पे। पहली वस्तु हमको अनंत पे रखनी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ से अनंत से किरणें आई, 2 किरणें लेके आ जाओ, दर्पण पे पड़ी, पड़ गई दर्पण पे, मिरर पे। अब आपको जान करके, अब मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, पहला नियम क्या कहता है हमारा, कि जब किरणें अनंत से आती हैं तो कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो ये देखिए, मैं जान करके यहाँ से निकालूंगी फोकस से, मुझे कोई एंगल नहीं नापना, कुछ नहीं नापना, मैंने ये फोकस से निकाल दी। पहली किरण जो समांतर आती है कहाँ से जाती है, फोकस से। दूसरी किरण वापस से समांतर आती है, ये भी तो समांतर ही आ रही है, किसके समांतर, अक्ष के समांतर। अगर अक्ष के समांतर आती है तो वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये देखिए गई, इनको पूरा मत लेके जाइएगा, वो क्रॉस होंगी, जबरदस्ती कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यानी कि दोनों कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे। अब आप वापस से अपनी टेबल में देखिए, जो भी आपने पढ़ी थी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है एफ पर। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा था वास्तविक। वास्तविक का क्या मतलब है, वास्तविक का मतलब है, मैंने आपको बताया था, इस दर्पण के उस तरफ की दुनिया आवासी है और इस तरफ की दुनिया वास्तविक है। पुराने वीडियो में जाकर देखिएगा, इस तरफ की दुनिया आवासी है, दर्पण के पीछे कुछ नहीं होता है, सब कुछ आभासी होता है, और इस तरफ की दुनिया वास्तविक। ये किरणें किस तरफ में मिल रही हैं, इस तरफ में मिल रही हैं, तो अगर किरणें इस तरफ में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसके बाद हमने लिखा था उल्टा बनता है, हाँ यहाँ पे उल्टा बनता है, पर ये आपको इस वाले डायग्राम में दिखाई नहीं देगा, इसके आगे हम जो भी बनाएंगे उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उल्टा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे तो याद कर लीजिए कि उल्टा बनेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि छोटा बनेगा, छोटा नहीं बहुत छोटा बनेगा, यानी आपने इतना बड़ा लिया था, देखिए इतना बड़ा लिया था तभी तो यहाँ तक किरणें निकली। अगर कोई वस्तु यहाँ इतनी बड़ी होगी तभी तो उसमें से इतनी सारी किरणें निकलेंगी, तो जब वो इतनी सारी किरणें निकली लेकिन वो समट गई यहाँ पे, तो हमारा चित्र तो बना इतना, यानी कि अगर हमने यहाँ पे इतना बड़ा गोला रखा होगा उसका चित्र बन रहा है इतना सा, तो यहाँ पे देखिए ना कितना अंतर आ गया, तो कैसा बना, बहुत छोटा। तो ये था हमारा पहला डायग्राम। अब हम थोड़ा और स्पीड में करेंगे, आप देखते चलिएगा और वरना पॉज करके रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, जबकि वस्तु हमारी रखी हुई है अनंत और सी के मध्य, ठीक है। ये रहा मेरा अनंत और सी के मध्य, मैंने एक वस्तु रख दी, या अनंत था, इस लाइन के खत्म होने के बाद मेरा अनंत था, इसलिए मैं सीधी किरणें लेके आई थी। अब मैंने वस्तु रख दी, जब वस्तु मैंने रख दी तो यहां से किरणें जाएंगी। अब हमारे पास 4 रूल हैं, मैं इस वाले चित्र में 2 अलग रूल लूंगी, अगले वाले में 2 अलग लूंगी, कोई भी रूल ले लीजिए, आपका आंसर जरूर बन जाएगा। हम इसमें 2 रूल, कोई भी 2 रूल ले लेना, आपको जब भी कोई चित्र बनाना होता है आप any 2 रूल जो हमने 4 पढ़े थे उसमें से कोई भी 2 रूल यूज करके बना सकते हैं। ये हमारा एफ है, देखिए एक तो किरण समांतर आई और कहाँ से जाएगी, फोकस से, रट गया आपको कि समांतर आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा कौन सा लें, सी वाला लें, फोकस वाला लें, जो भी, अब आप अभी तो मुझे बता नहीं सकते, लाइव क्लासेस नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, और लाइव क्लासेस के लिए आप लोग पूछ रहे थे, डियर मैं अभी लाइव क्लासेस पर नहीं हूँ,
इतना सारा हो नहीं पाता है मैनेज, तो अभी आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, जैसे ही होगा हम लाइव क्लासेस में एमसीक्यू वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो हमने समांतर लाया और फोकस से निकाल दिया, दूसरा फोकस के बजाय अब हम इस बार सी से निकाल लेते हैं ताकि आपको कुछ नया फील हो जाएगा। पर है ना, सी से यहाँ लेंगे ना तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, यहाँ बड़ा मिरर लेना पड़ेगा, इसलिए रहने दो, अगले वाले में देखते हैं। यहाँ भी फोकस से ले लीजिए, फोकस से जाएगा तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा, हो गया ना समांतर, ठीक है। हमने क्या किया, फोकस से लाया, पहली किरण ये आई इधर चली गई, समांतर आई फोकस से चली गई, दूसरी फोकस से आई समांतर चली गई, समांतर आई फोकस से गई, फोकस से आई समांतर गई, ये देखिए दोनों कहाँ मिली, दोनों मिली यहाँ पर, लौटने वाली, ये भी लौटने वाली है, ये भी लौटने वाली है। आने वाली किरणों को मत देखना, ये दोनों हटा दो, एक किरण ये लौट रही है, एक किरण ये लौट रही है, लौटने वाली दोनों किरणें कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, ठीक है। तो मेरा प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिएगा मेरा प्रतिबिंब वास्तविक है, पहले तो कहाँ बना, पोजीशन देखते हैं, रखा कहाँ पे था हमने, अनंत और सी के मध्य, बना कहाँ पे, सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य, उल्टा है या सी, वास्तविक है या आवासी है, वास्तविक, क्योंकि इस तरफ में है तो वास्तविक, दर्पण के उधर होता तो आवासी, वास्तविक के साथ में कैसा है, उल्टा है, उल्टे के साथ में कैसा है, छोटा है, ये इतना बड़ा था, ये इतना छोटा है। अगर ये आपका नहीं, मान लो ये अगर आपका ऐसे चित्र ना बन पाता, कभी ये बड़ा हो जाता या कुछ हो जाता, तो हम थोड़ा सा इसमें ना वेरिएशन करते, थोड़ी चीटिंग करते, कैसे करेंगे, इसको लाइन को थोड़ा ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, एकदम सीधी नहीं है मेरी, पर आप करके देखिएगा, ये लीजिए और छोटा हो गया। तो ये इस तरीके से थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप कोई चित्र बना रहे हैं ना तो पहली बार में नहीं बनेगा, ये भी मुझे मालूम है, और कम से कम 2 या 3 बार में आपका परफेक्टली बनने लग जाएगा, तो आप डरिएगा मत, कम से कम 3 बार तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा एग्जैक्टली परफेक्टली बनाने के लिए। थर्ड डायग्राम पे चलते हैं वेरी क्विकली, कहाँ पे रखना है हमको, सी पे रखना है, मान लेते हैं ये सी रहा हमारा, ये एफ है, हमने सी पे किसी वस्तु को रख दिया, इस बार हम पोल पे डाल के देखें, ये लो पोल पे गया और ये वापस आया, लौटते वक्त हमें सिर्फ वापस वाली किरणों का याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी चीटिंग देखना, मैंने क्या कहा था कि मुझे पता है सी पे ही आंसर आने वाला है मेरा, क्योंकि मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, सी पे ही, तो मैं क्या करूँगी, पहले 2 सेंटीमीटर का ये बनाया ना, तो 2 सेंटीमीटर का पहले यहाँ बना लूँगी ए, अब मेरी ये किरण मैच नहीं कर रही ना, ये लीजिए, समझे आप मैंने क्या किया, मुझे पता था कि सी पे रखने के बाद सी पे ही बनेगा, जितना बड़ा रखा है उतना ही बड़ा बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है हमारी टेबल में, तो मैंने क्या किया, उसको पहले ही बना लिया, तो जब मैंने किरण यहाँ डाली थी तो उसको पहले ही मैच करवा के यहाँ से निकाला, इससे क्या हुआ कि हमारा डायग्राम परफेक्टली बन जाएगा। दूसरा आप क्या करें, ऐप से डाल दीजिए, ठीक है, और इसको भी कहाँ से निकालना है हमको, ये देखिए दोनों कहाँ मिले, यहाँ मिले ना, और यहाँ हमारा डायग्राम बन गया, ये देखिए आया समझ में। देखिए करना कुछ नहीं है, आपने जो रखा है उसको बनाना है, नियम चारों में से एक लगाने हैं, चारों में से 2 लगाने हैं, एक नहीं 2 लगाने हैं बस, और थोड़ा सा क्या है, ये कभी कभी बनाते वक्त शिफ्ट होता है, तो थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कहाँ पे बना, सी पे बना, रखा कहाँ था, सी पे रखा था, उल्टा बना है, हाँ जी उल्टा बना है, वास्तविक भी बना है और बराबर भी बना है, जो कि हमने पहले ही बना लिया था, बना क्या था, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा वाला डायग्राम, फटाफट चौथा और पाँचवा देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ना पांचवा बताती हूँ, चौथा आप खुद बनाइएगा, पांचवा फोकस वाला बता देती हूँ कि फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा। अब आप क्या करेंगे कि फोकस पे आपने एक वस्तु रखी, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो वस्तु को फोकस से पास करो, तो आप इसमें रूल नंबर 2 नहीं लगा सकते, आप रूल नंबर 1 लगा सकते हो, ये गया, और मैं इसको डॉट डॉट में बना रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये लीजिए बन गया। अब दूसरी किरण मैं जाती हूँ पोल से ध्रुव, ये लीजिए, ठीक है, ये आई और ये भी आई है, ये वापस गई है, ये भी, अब मुझे ये भी बनाना है, तो ये इसको बनाया मैंने, ये लीजिए,
गया ना, जितने कोण से आई थी उतनी ही कोण से निकल गई। अब क्या होता है, ये किरणें हो गई दोनों समांतर। कैसी हो गई? समांतर। तो आप मुझे बताइए आपके मैथ्स वाले टीचर से पूछ के कि समांतर किरणें कहाँ जाके मिलती हैं। मैंने आपको बोला था कि दोनों जो लौटने वाली किरणें जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बना देंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों लौटने वाली किरणें कहाँ मिल रही हैं पता नहीं, क्योंकि समांतर हैं। तो समांतर इसका आंसर आपके मैथ्स वाले टीचर देंगे कि समांतर किरणें कहाँ जाकर मिलती हैं। जब हमने वस्तु रखी एफ पर, वस्तु रखी एफ पर, तो किरणें हमारी कहाँ मिली बताओ? अनंत पे। ठीक है, वस्तु कहाँ जाके मिलेंगी? अनंत पे जाके मिलेंगी। वस्तु बड़ी होगी या छोटी? अनंत पे किसने देखा? बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये देखो वस्तु थी इतनी बड़ी और ये जा रही हैं अनंत तक, तो वस्तु कितनी बड़ी हो जाएगी? तो ये अनंत पे जाएंगी। वास्तविक किस लिए है? क्योंकि इसी तरफ है, दर्पण के इधर की तरफ है, तो वास्तविक है। उल्टा क्यों है? क्योंकि देखो नीचे की तरफ जा रही हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। हमने वस्तु रखी थी ऊपर और ये जा रही है नीचे, यानी कि उल्टा है, और साथ में बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाँचवें नंबर का। एक सबसे लास्ट वाला, इसमें भी आप एक छोटी सी चीटिंग कर सकते हैं बनाते वक्त, कि आपको मैंने बताया कि ये किरण आ रही है, मुझे पता है मुझे ये समांतर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अनंत पर मिलाना है। अगर ये मुझे समांतर चाहिए, तो अगर ये आपका यहाँ पे समांतर ना भी आ रहा हो, तो हल्का सा मैच करके इसको समांतर लेके आइएगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवा वाला हो गया। इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं फटाफट से,